जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम में अपराधियों की दस्तयाबी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमावर्ती सेडवा पुलिस के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अवैध हथियारों के तस्कर ओम प्रकाश बिश्नोई निवासी पीपली बेरी को पकड़ा, जिसके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ ही आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक नगरी बालोतरा में पुलिस ने वांछित आरोपी राकेश वाल्मीकि निवासी माजीसा कॉलोनी बालोतरा के घर पर दबिश देकर घर और गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें एक पिस्टल नुमा देशी कट्टा मय 2 मैगजीन के साथ 10 कारतूस बरामद किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशों के बाद बाड़मेर पुलिस मंगलवार और बुधवार को एक्शन मोड पर रही। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जहां मादक पदार्थों की बरामदगी की तो कई वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही सरहदी सेडवा पुलिस और बालोतरा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल SP के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत ASP नरपत सिंह और चौटन डिप्टी धर्मेंद्र डौकिया के सुपरविजन में सेडवा थाना अधिकारी जेठाराम के नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार को सेडवा क्षेत्र के बामरला गांव के पीपली बेरी में दबिश दी। यहां वैध हथियार तस्कर ओम प्रकाश बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जाति बिश्नोई को पकड़कर उसके कब्जे से अवैध हथियार 3 पिस्टल मय 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस पर आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सेडवा में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अब आरोपी से बरामद हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में सेडवा थानाधिकारी जेठाराम, हेड कांस्टेबल सांवलाराम और गोवर्धन राम, कांस्टेबल धर्माराम, धाई और प्रेम सुख शामिल रहे। वहीं पुलिस चौकी ओगाला के हेड कांस्टेबल गोवर्धन राम की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही। जैसा हमारा PSU का अभियान चल रहा है तो हमारे जो अवैध हथियार और फायरआर्म्स और इसके मादक पदार्थ जो कार्रवाई की हमने पिछले 24 घंटों में हमारे पास एक इनपुट था। गोवा नॉर्थ की पुलिस ने हमारे से सेडवा में इमदाद मांगी थी कि वहां से कोई गाड़ी की धोखाधड़ी करके एक सस्पेक्ट व्यक्ति है वो सेडवा थाना के पीपरअली गांव में है उसकी लोकेशन। हमने सेडवा पुलिस से उसको इमदाद दी। इमदाद देने को हमें गाड़ी नहीं मिली, उस गाड़ी की तलाश कर रहे थे। मीन बाइक हमें सस्पेक्ट मिल गया था तो हमने SHO के साथ में रह दी तो उसी घर की तलाशी में हमें 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और जिंदा कारतूस मिले और आस पड़ोस में हमने सर्च कराई तो गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी जो कि गोवा नॉर्थ पुलिस की इमदाद में थी तो वो गाड़ी उनके रांची तो वो टीम ले गई और हमने उसमें ओम प्रकाश को आर्म सेक्टर मुकदमा में उसको बंद किया। सेम कार्रवाई हमने बालोतरा में भी की, वहाँ भी हमने एक अवैध पिस्टल बरामद किया। एक मुकदमा दर्ज हुआ, आपको जैसा पता है 2-3 दिन पहले एक मार्केट का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें वाल्मीकि एक आरोपी है उसके घर पे हमने रेड दी। वो टीम के साथ में रात का फायदा उठा जो भाग गया लेकिन उसी घर की तलाशी में पिस्टल, मैगजीन और कारतूस मिले। इस प्रकार हमने 2 फायरआर्म्स के मुकदमे दर्ज किए, साथ ही साथ हमने 2 मुकदमे MBBS के भी दर्ज किए, जिसमें एक मुकदमा हमने भिंगराड़ में दर्ज किया और एक मुकदमा हमने गिड़ा में दर्ज किया। गिड़ा में जो कि एक विधि से संघर्ष बालक था और एक मेजर था तो उसमें हमने MBBS में मुकदमा दर्ज किया। इसी तरह बालोतरा पुलिस ने थानाधिकारी बाबूलाल एवं उपनिरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बालोतरा पुलिस ने वांछित आरोपी राकेश वाल्मीकि निवासी माजीसा कॉलोनी के घर पर दबिश देकर घर और गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान 1 पिस्टल नुमा देशी कट्टा मय 2 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए। इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राकेश कुमार पुलिस थाना बालोतरा में वांछित अपराधी और लोगों में दहशत फैलाने के लिए सोशल साइट पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करता रहता है। आरोपी के विरुद्ध बालोतरा थाने में 10 प्रकरण और सिवाना थाने में 1 प्रकरण दर्ज है।